वॉट्स माय काइंडली पेरूजल ऑफ लास्ट ऑर्डर शीट। जी सर, मैं आज ही एडिशनल इसमें रिप्लाई फाइल करने की अनुमति चाहा हूँ सर, इन कंप्लायंस ऑफ लास्ट ऑर्डर। मैम, वी आर रेडी टू। आपको नहीं मिली कॉपी? मिलेगी। एक एडिशनल सबमिशन होगा ये वाला पेपर साहब। क्या हुआ इसका, क्या निकला इसका? मतलब दे हैव गिवन मी अ कॉपी ऑन 16th ओनली। मतलब व्हाट दे हैव डन इज, मतलब दे हैव नॉट स्टार्टेड द एंटीसिपेटरी पेंशन, बट दे हैव मेड अ रिकवरी फ्रॉम द ग्रेच्युटी अमाउंट ऑफ द डिजीज हस्बैंड एंड पेंशन अमाउंट ऑफ द वाइफ, विडोड वाइफ। किस प्रावधान में की है रिकवरी आपने? जी दे दीजिए साहब को जरा। दिस इज ऑन पेज नंबर 8। बस रिकवरी करते हुए उन्होंने 51 रुपये डाल दिए हैं और ग्रेट्यूटी पूरी रिकवर करते हुए 540 रुपये डिपॉजिट करा। मतलब ये वसूली किस बात की है ये? इनकी तो पैसा, प्रथम मैं प्रार्थना करूंगा कि इनकी रिलीफ देखें। रिलीफ इनका, रिलीफ छोड़ दीजिए, हाँ आप तो पहले बताइए आपने किस चीज की रिकवरी की है। जी साहब, पेज नंबर 8 वाला पेज नंबर 8। यस, डिस्ट्रिक्ट पेंशन ऑफिसर हैज हाँ, किस चीज की रिकवरी है तो बताइए। हाँ, लिखा है सब इसमें। क्या लिखा है? हाँ, पेंशन बढ़ी दर में 26/3/2001 से 25/3/2008 तक 82 माह में 82 माह 6 दिन दर 3200 के हिसाब से 289,600। कौन जिम्मेदार था ये पेंशन देने के लिए? और आप क्यों सो रहे थे अभी तक, 24 साल से, 2001 से 24 तक? और कैसे कैलकुलेशन लगाया है सब, थोड़ा जी सर, ठीक है। अनुकंपा नियुक्ति पर देर राहत की वसूली हो जाएगी, बाकी वसूली कैसे हो जाएगी? डीपीओ ने जो प्रपोजल भेजा था सीओ प्रपोजल को। का कुछ सर और पैर तो होना चाहिए वकील साहब, जी सर, या आप एक गरीब कर्मचारी को जो इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे? कहाँ है आपके डीपीओ साहब, बुला लीजिए। लेट डिस्ट्रिक्ट पेंशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मंडला रिमेन पर्सनली प्रेजेंट ऑन 23 अप्रैल व्हेन ही विल एक्सप्लेन दी प्रपोज्ड रिकवरी डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड रिकवरी अलोंग विद द बेसिस एंड द लीगल सेंटिटी लिस्ट ऑन 23 अप्रैल टॉप ऑफ द लिस्ट। वापस कर दीजिए इनको फाइल करने के लिए। नंबर 2।